हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं यूट्यूब चैनल संदीप कुमार हेयर स्टाइलिस्ट। आज हम बताएंगे हेयर प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने वाटर स्प्रे किया है पूरे अपने मैनिक्यून को, क्योंकि 50% वेट हेयर चाहिए प्रिपरेशन के लिए। देन इसके बाद हम यहाँ पे ये हीट प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हैं। हीट प्रोटेक्टर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इससे कोई भी हम हीट मशीनरी यूज करते हैं तो हमारा प्रोटेक्ट करता है हेयर। तो हीट प्रोटेक्टर अच्छा कंपनी का हम डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, उससे आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, अपने डमी का अलग अलग, जैसे हम ब्लो ड्राई करते हैं, क्रिम्पिंग करते हैं, वैसे हमने सेक्शन निकाल के रखा है। सेक्शन आप कैसे निकालेंगे, सेक्शन का वीडियो हम ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट से रेडियल पार्ट लिए, जिसको ईयर टू ईयर पार्टिंग बोलते हैं। देन पीछे जो भी हम दो पार्ट में डिवाइड किए, इसमें छोटे छोटे सेक्शन लेके हम क्या करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे। ओके, ब्लो ड्राई आप ज़्यादा हीट टेम्परेचर 180 डिग्री के टेम्परेचर पे हीट वॉल्यूम लेके आप वर्क कर सकते हैं। ब्लो ड्राई को पैडल ब्रश से हम यूज कर रहे हैं। आपको ब्लो ड्राई आप पैडल ब्रश, राउंड ब्रश किसी से भी कर सकते हैं। राउंड ब्रश का साइज़ जो होगा आप बिग साइज से लेके कर सकते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, कोई भी कर्ल्स नहीं करना है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए हम लोग को स्ट्रेट ब्लो ड्राई ही लगता है। ऐसे आप लोग को 20 से अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन लेके पूरे पीछे के हेयर से करना है। फ्रंट पे हमेशा बॉक्स सेक्शन लेके, फ्रंट पे बॉक्स सेक्शन लेके हमको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि जितना नीट एंड क्लीन हमारा प्रिपरेशन होगा उतना नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल बनेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा हेयर स्टाइल में ये पुलिंग नहीं हो रहा है, स्प्रेडिंग नहीं हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न है कि हमारा हेयर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ। जो भी हेयर स्टाइल क्रिएट करते हैं, हर हेयर स्टाइल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं यूज करने के लिए, प्रोडक्ट पे भी हम वीडियो जल्दी बनाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के लिए उसके अलग अलग प्रोडक्ट यूज करेंगे। जैसे हमको स्ट्रेट नॉर्मल कोई भी स्प्रेडिंग टेक्निक से हेयर स्टाइल बनाना है, तो हम कोई भी मूज लगा के कर्ल्स बनाना है तो मूज यूज कर सकते हैं। ऐसे हमारा प्रिपरेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देन पीछे के पूरे सेक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से छोटे छोटे सेक्शन लेके पूरे सेक्शन का क्या करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे। देन ब्लो ड्राई के बाद जस्ट क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग भी आप लोग को माइक्रो क्रिम्पिंग लेना है। उसका हीट टेम्परेचर 180 से 200 डिग्री के बीच में रख सकते हैं। देन उसके बाद से यूज करेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्रिम्पिंग माइक्रो क्रिम्पिंग यूज़ कर रहे हैं। माइक्रो क्रिम्पिंग फ्रंट से इतना थिक सेक्शन नहीं है, आप इससे थिन सेक्शन भी लेके कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और बीच में बॉक्स सेक्शन कंपलसरी करना। बॉक्स सेक्शन हम क्यों करते हैं, बॉक्स सेक्शन फ्रंट के तरफ से टर्न करते हुए करना है ताकि हमारा रूट पे बाउंस आए, जो बीच का पार्टीशन होता है ना वो छुप जाए अच्छे से। इसलिए हम क्या करते हैं, बीच पार्टीशन को मतलब मिनिमाइज करने के लिए हम रूट से क्या करेंगे, इसको क्रिम्पिंग करेंगे। देखिए हमने रूट से क्रिम्पिंग किया, ऐसे हमको फ्रंट तक क्रिम्पिंग करना है। तो आई होप कि सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कि हेयर प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अच्छे से हेयर प्रिपरेशन जितना करेंगे उतना ही अच्छा हमारा नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल बनेगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम हेयर प्रिपरेशन की वजह से ही आती है। तो गाइस आई होप कि सबको अच्छी लगी होगी वीडियो, मिलेंगे फिर से नई वीडियो में ऐसे ही नए नए टेक्निक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सी यू सून।